स्टूडेंट्स क्लास प्लस टू में एक्सरसाइज 7.2 कंटिन्यू फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट y इज इक्वल टू 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x। इसमें हम डायरेक्ट u / v से कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव करेंगे तो थोड़ा लेंथी पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे तो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। 1 माइनस cos x का फार्मूला क्या था, 2 sin स्क्वायर x / 2, और इसका क्या होता है 2 cos स्क्वायर x / 2, 2 से 2 कैंसिल, sin स्क्वायर / cos स्क्वायर tan स्क्वायर x / 2। अब इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का dy / dx। सबसे पहले इस पावर का, पावर आगे एक पावर कम, पावर का हो चुका, अब इसका करेंगे tan x / 2 का, तो 2 tan x / 2 का एज इट इज, tan का क्या होगा secant square x / 2 और x / 2 का 1 / 2, 2 से 2 कैंसिल, तो tan x / 2 secant square x / 2 बच गया। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ का थर्ड पार्ट y = 1 - tan x 1 + tan x। इसमें भी अगर हम u / v करते तो बहुत लेंथ ही जाएगा, इसमें क्या करें डायरेक्ट फार्मूला हमारा tan y / 4 - x। अब करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy / dx tan का secant स्क्वायर एंगल एज इट इज, फिर एंगल का y / 4 कांस्टेंट है और x का 1, तो माइनस का माइनस का 1, तो आंसर क्या आएगा माइनस का secant स्क्वायर pi / 4 - x। नेक्स्ट है फिफ्थ का फोर्थ पार्ट, cos स्क्वायर x - 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x + में 1। इसको भी अगर हम सिंपलीफाई कर ले तो थोड़ा इजी रहेगा, वरना u / v से तो लेंथ ही रहेगा। तो cos स्क्वायर को cos स्क्वायर / sin स्क्वायर - में 1, और एक आइडेंटिटी होती है हमारी cosecant स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा = 1, तो cosecant स्क्वायर की वैल्यू आती है 1 + cot स्क्वायर, तो 1 + cot स्क्वायर लिए cosecant स्क्वायर x रख दिया। cosecant स्क्वायर तो एज इट इज, इन कैंसिल क्या आ गया sin स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x, तो ये cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x फार्मूला था cos 2x का, और sin स्क्वायर x और cos 1 / cosecant स्क्वायर, तो इसका अपोजिट क्या आ गया sin स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो cos 2x। डिफरेंशिएट करेंगे तो dy / dx cos का - sin 2x, 2x का 2, तो अगले स्टेप में 2 आगे आ जाएगा - 2 sin 2x। नेक्स्ट है फिफ्थ का सिक्स्थ पार्ट, y इज इक्वल टू देयर का secant x - 1 secant x + 1 इसका स्क्वायर रूट। अगर हम इसको डायरेक्ट करते हैं तो पहले रूट का होगा, रूट का क्या होगा 1 / 2 रूट, फिर अंदर वाले का करें u / v से बहुत ज्यादा लेंथी होगा, तो थोड़ा सिंपलीफिकेशन फिर करके चलेंगे हम, तो इसमें सिंपलीफिकेशन करेंगे तो secant को 1 / cos x - 1, secant x को फिर 1 / cos x + में 1, ऊपर वाले का एक्सिम आ गया cos x, तो यहां 1 - cos x, नीचे वाले का भी cos x आ गया 1 + cos x, इसे कैंसिल, 1 - cos x 1 + cos x। अभी फार्मूला क्या, 1 - cos x का 2 sin स्क्वायर x / 2 और 1 + cos x का 2 cos स्क्वायर x / 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, sin स्क्वायर / cos स्क्वायर tan स्क्वायर हो गया, tan स्क्वायर है तो स्क्वायर से ये कैंसिल आउट स्क्वायर रूट, तो y = tan x / 2, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy / dx, tan का होता है secant स्क्वायर x / 2 और x / 2 का 1 / 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ का नाइन्थ पार्ट, y = cos x - sin x डिवाइड बाय cos x + sin x का स्क्वायर रूट। इसको भी अगर हम करते हैं तो स्क्वायर रूट क्या करेंगे, पहले 1 / 2 रूट, फिर u / v बहुत ज्यादा लेंथी होगा, तो इसका क्या करें सिंपलीफिकेशन कर लें, यहां से भी cos कॉमन, यहां से भी cos कॉमन लिया तो 1 - sin x / cos x होगा तो tan x, यहां से cos कॉमन लिया 1 + में sin x / cos x होगा tan x, cos से cos कैंसिल, 1 - tan x 1 + tan x, तो यहां से फार्मूला क्या बनेगा स्क्वायर रूट तो चलेगा tan pi / 4 - x। अब हम डिफरेंशिएट कर देंगे dy / dx, पहले रूट का 1 / 2 रूट के अंदर ये वैल्यू एज इट इज, रूट का हो चुका तो डेरिवेटिव अब किसका करना है tan pi / 4 - x का, तो ये तो एज इट इज 1 / 2 रूट tan pi / 4 - x, अब tan का क्या होगा secant स्क्वायर pi / 4 - x, फिर x का 1 और माइनस है माइनस आगे आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6,
y is equal to a sin x plus में b cos x। हमें प्रूव क्या करना है कि y square plus में dy by dx का whole square is equal to a आना चाहिए। तो इसके लिए पहले हमें dy by dx निकालना पड़ेगा। तो differentiate with respect to x, dy by dx, a sin का cos x, b cos का minus sin x। अब हम यहां से लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे y स्क्वायर dy by dx का होल स्क्वायर। y की वैल्यू ये है a sin x b cos x का होल स्क्वायर, प्लस में a cos x माइनस में b sin x, ये dy by dx का होल स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a यानी a sin x है तो a स्क्वायर sin स्क्वायर x, यहाँ पे b स्क्वायर cos स्क्वायर x, प्लस में 2ab तो 2a into में b into में sin x into में cos x। इसी प्रकार से यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे तो a माइनस b का स्क्वायर a स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, b स्क्वायर तो ये हो गया माइनस में 2ab इनकी मल्टीप्लिकेशन। ये चीज और ये चीज सेम है, 2ab साइन इंटू कोस साइन इंटू कोस, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट, a स्क्वायर साइन स्क्वायर x, a स्क्वायर कोस स्क्वायर x, दोनों में कॉमन a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस में b square cos square x, b square sin square x, इनमें से कॉमन b square, sin square theta plus में cos square theta का आता 1, तो ये भी 1, a square into में 1, b square into में 1, means a square plus में b square is equal to right hand side आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम hence proved। Thank you.